लेकिन ट्विटर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप का तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, स्टॉप द काउंटिंग। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ट्विटर पे लिख रहे थे जब इलेक्शन की काउंटिंग चल रही थी कि काउंटिंग बंद कर दो, मानो कि मतलब बाकी वोट्स की कोई कीमत ही नहीं है। इसके बाद इलेक्शन फ्रॉड की नौटंकी भी चालू कर दी इन्होंने, कहा कि मैं जो इलेक्शन हार रहा हूं ये इलेक्शन फ्रॉड की वजह से हार रहा हूं, यहां पर इतने सारे ये जो बैलेट लाए गए हैं ये फ्रॉड हैं, नकली हैं, सारे डेमोक्रेट्स के लिए वोट जाने लग रहे हैं वगैरह वगैरह। ईवीएम फ्रॉड का बहुत ही सीरियस इशू है ये। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इंडिया में यूज की जाती है वो बहुत ही आसानी से हैक की जा सकती है, तो ये इशू सीरियस है, चाहे कोई ईवीएम फ्रॉड इस बार हुआ हो ना हुआ हो। अरे कहना क्या चाहते हो? इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा स्कैम है बल्कि ये पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसमें 53% इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसे ऑपोजिशन पार्टीज को गए हैं, वो ज्यादा बड़ा स्कैम है। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम जिसमें 70,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ था, कोल स्कैम जिसमें 1.86 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, 2G स्कैम जिसमें 1.76 लाख का घोटाला हुआ था, सत्यम स्कैम 1.47 बिलियन डॉलर का घोटाला हुआ था, चारा घोटाला जिसमें 930 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, ऐसे कई घोटालों की लंबी लिस्ट है इंडिया अलायंस में। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ये किस स्कैम के खिलाफ आवाज उठाने वाले गलती से एक अलेजेड क्रिप्टो करेंसी स्कैम को प्रमोट कर रहे हैं, जिस बात का एक्सपोजर होने के बाद बड़ी चालाकी से इसको डिलीट भी कर दिया गया उनके चैनल से अपेरेंटली। मैं नहीं तो और कौन, हम नहीं तो और कौन। जी न्यूज फैन क्लब्स, जिसका पूरा का पूरा पेज हमने बैन करवा दिया रिपोर्ट करके, क्योंकि वो इतनी गंदी हेट स्पीच फैला रहा था और फेक न्यूज फैला रहा था। उसके बाद है नेशन नमो, जिसकी पोस्ट हमने डिलीट करवाई। उसके बाद है बार बार मोदी सरकार, मोदी फॉरएवर। जिन आईडीज को बैन करवाना है फेसबुक, ट्विटर या कोरा से, तो उन आईडीज के हम नाम आपको पढ़कर सुनाते हैं। भारत एन अनटोल्ड स्टोरी नाम के फेसबुक पेज को, नमो ब्रिगेड इंडिया को, शंखनाद को, द इंडिया आई को, नरेंद्र मोदी फैंस फ्रॉम तमिलनाडु, फिर कार्मिक मीम्स, फिर स्क्विंट नियॉन 786 को इन्होंने बैन करवाने की कोशिश की। ये आदमी डिक्टेटरशिप को बचाने आया है भारत। ये तो वही बात हुई कि यार एक फिल्म में आपने शक्ति कपूर को हीरोइन की इज्जत बचाने के लिए भेज दिया। आओ